नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और महाशिवरात्रि का पर्व जो है लगभग आ ही चुका है, तो आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि पर क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, क्या पूजा की विधि रहेगी, कैसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आप सभी जानते हैं वैसे हर मास में शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि खास इसलिए होती है क्योंकि इस दिन हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। अब इस बार की कंफ्यूजन ये भी है कि ये महाशिवरात्रि 4 तारीख को पड़ रही है या 5 तारीख को। तो अगर देखा जाए तो आप देखिए, महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की रात्रि यानी कि रात्रि का समय इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो 4 तारीख को 4:28 शाम का जो समय रहेगा, इस दिन से महाशिवरात्रि की तिथि शुरू हो जाएगी और ये रहेगी अगले दिन 5 तारीख को मंगलवार वाले दिन लगभग 7:07 तक। तो अगर देखा जाए तो 5 तारीख को रात्रि का समय नहीं कवर हो रहा है, तो इसीलिए व्रत करने के लिए, और सोमवार भी 4 तारीख को ही पड़ रहा है, तो व्रत करने के हिसाब से भी 4 तारीख का दिन, 4 तारीख की तिथि जो है वो खास मानी जाएगी, वो इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी। 5 तारीख को उदय काल के हिसाब से अगर जो लोग मानते हैं, जो लोग वैष्णव समाज के लोग होते हैं क्योंकि वो उदय तिथि को मानते हैं, तो कुछ लोग 5 तारीख को भी पूजा करेंगे, लेकिन व्रत करने के लिए रात्रि का जो तिथि, रात्रि को, क्योंकि शिवरात्रि तिथि 4 तारीख को ही पड़ रही है, इसीलिए 4 तारीख इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा की विधि की। तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, इस दिन भगवान शिव पर, शिवलिंग पर खास चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल, इसके अलावा धतूरा और बेलपत्र, ये कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इस दिन महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाती हैं शिवलिंग पर। लेकिन इन्हें चढ़ाने के पीछे हमारे धार्मिक सिग्निफिकेंस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, अगर आप समझने का प्रयास करें कि जो शिवलिंग होता है वो गर्भगृह के अंदर होता है और शिवलिंग के आसपास की जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो आपके ऑरा को भी उसी तरह से इफेक्ट करती हैं। शिवलिंग को ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, शिवलिंग के अंदर उनका स्थान होता है। इसके अलावा शिवलिंग जो होता है, जितना ऊपर दिखाई देता है उतना ही नीचे भी वो होता है, भूमि के नीचे भी उतना ही ज़्यादा होता है। और वहाँ की एनर्जी महाशिवरात्रि का जो दिन पड़ता है, इस समय पर खास तौर पे ग्रह नक्षत्र बहुत खास होते हैं। इस समय पर एक सीजनल चेंज हो रहा होता है, आप सर्दी से गर्मी के मौसम की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन जब आप गंगा जल, जब आप कच्चा दूध यानी कि वाइट कलर की चीज़ जो कि प्योरिटी को शो करती है, जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो ऐसा करने से आपकी हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं। बेलपत्र का सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि इस समय पर कफ एंड कोल्ड की, रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बेलपत्र जो होता है, साइंटिफिकली अगर आप देखें तो बेलपत्र से उसकी जो महक होती है उससे आपकी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, उससे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। तो जब बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसके स्पर्श से आपकी हेल्थ इश्यूज खत्म होते हैं। इसके अलावा गंगा जल, कच्चा दूध ऑफर करने से वो जो वाइब्रेशंस आपके अंदर आती हैं उससे भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं, उससे आपका मानसिक तनाव खत्म होता है। तो ये एक तरीके से हमने बात करी कि आपको साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये तो हमने बात करी साइंटिफिकली क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें महाशिवरात्रि वाले दिन क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, तो जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पीले रंग के पुष्पों से गठबंधन करना आपकी हर तरह की मुश्किल को दूर करता है और ख़ासतौर पर विवाह में आ रही जो अड़चन या विलंब हो रहा होता है उसे खत्म करता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों को शनि की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, इस दिन यानी कि महाशिवरात्रि पर काले तिल आपको अर्पित करने चाहिए शिवलिंग पर, या शनि की महादशा अंतरदशा की वजह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इस हिसाब से भी काले तिल इस दिन अर्पित करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही में शमी के पत्ते भी इस दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या फिर इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है, बिना वजह की घबराहट रहती है, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि महाशिवरात्रि पर कच्चा दूध वो लोग ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसी के साथ साथ आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र को कभी भी सीधा नहीं बल्कि शिवलिंग पर उल्टा करके अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने का जो धार्मिक आधार है वो ये है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां जो होती हैं उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है और बेलपत्र अर्पित करने से भी आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही में इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने से आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। तो ये तो खास
उपायों की बात करें, साथ ही मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं करी जाती क्योंकि इन्हें आदि योगी कहा जाता है, यानी कि पहले योगी भगवान शिव ही थे। इसीलिए हल्दी अर्पित करने के बजाय आप भगवान शिव पर चंदन ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और कच्चा दूध इनके ऊपर अर्पित करने से भी, जैसे मैंने कहा था, मानसिक तनाव खत्म होता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर होती है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और आपके जीवन के सभी मुश्किलों को दूर करें। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।